ये बुजदिलों का काम है, ये मर्द का काम नहीं है, नामर्दों का काम है। एक मर्द से तो लड़ नहीं सकते हो, एक और, और एक औरत से लड़ने के लिए आए हो। और आज एक औरत जात को आप अगर रात बेरात फोन करके इस तरीके से धमकी देते हैं तो ये गलत बात है। हमें और हमारे नेता को, हम लोगों को ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा वफादारी है और जरा सा इंसानियत है तो तुम पार्टी से आज रिजाइन दे दो, आज। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर को राजू अंसारी ने फोन पर धमकाया है। ये धमकाने का आरोप राजू अंसारी पर लग रहा है। कल मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें शहर के सभी डॉक्टरों को बुलाया गया था। उसमें कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर भी गई थी और अब राजू अंसारी पर आरोप लग रहा है कि रात में फ़ोन करके कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर को धमकी दी है। राजू अंसारी पर धमकाने का आरोप जो लग रहा है उसमें बताया जा रहा है कि मंत्री जितेंद्र आव्हाड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों गई थी और इसलिए आपके हॉस्पिटल को घिराव कर नुकसान पहुंचाया जाएगा। और इसी बात को लेकर कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान, रेहान पीतलवाला, अश्रीन राउत, बिल्डर शब्बीर खान, अजीम खान, शाकिर शेख, बबलू सेमना और ऐसे भी कई लोग कालशेखर अस्पताल पर जमा हो गए थे कि आखिर राजू अंसारी ने मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने पर कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर को आखिर धमकी क्यों दी है, अस्पताल को नुकसान पहुंचाने की बात क्यों की है। इस पर कालशेखर अस्पताल पर काफ़ी देर तक लोग इकट्ठा रहे और धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ लिया और राजू अंसारी के खिलाफ आफरीन सौदागर ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। राजू अंसारी भी कहीं ना कहीं एनसीपी से ताल्लुक रखते थे क्योंकि इनकी भाभी एनसीपी की नगर सेविका हैं और राजू अंसारी इनके कामकाज संभालते हैं। ऐसे में अब एनसीपी के ही लोग कालशेखर अस्पताल के सीईओ को धमकाने के मामले में राजू अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरी घटना पर कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान और रेहान पीतलवाला और अश्विन राउत ने क्या पूरी जानकारी दी है कि आखिर सीईओ आफरीन सौदागर को किस तरह से राजू अंसारी ने धमकाया है, इस पर क्या कहा है सुनिए। शमीम भाई, कालशेखर हॉस्पिटल का क्या पूरा धमकी देने का क्या मामला ये है और किसने धमकी दी है? कालशेखर हॉस्पिटल को लेकर के ये थोड़ा ऊपर कर दीजिए, जिस तरीके की जो हमें जानकारी मिली है सीईओ मैम आफरीन मैडम से, जो उन्होंने कल हमारे मंत्री जी को बताया, वो लेडी ने रो दिया उनके बात करते करते कि हमको राजू अंसारी ने धमकी दिया है। तो ये बहुत ही, मैं अगर आपसे कहूँ तो ये बहुत बुजदिली की बात है कि एक औरत को धमकी देते हो। अरे रेहान भाई से तो लड़ नहीं सकते, जबकि सुबह से लेकर शाम तक उसकी खिलाफत करते हो वार्ड के अंदर, मिलके रहना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मैं पार्टी प्रेसिडेंट होने जाते बात कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी के थे, आपको साथ में रहना चाहिए, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उससे लड़ाई लड़ते हो। एक मर्द से तो लड़ नहीं सकते हो, एक और एक औरत से लड़ने के लिए आए हो, यही तुम्हारी बहादुरी है। शमीम भाई, जिसने धमकी दी है आप राजू अंसारी का नाम बता रहे हैं, तो राजू अंसारी कहीं ना कहीं एनसीपी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में आप ही के पार्टी के लोग जो है धमकी दे रही है, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो आपकी पार्टी क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? मीडिया के माध्यम से उन गद्दारों को जो हमारे साथ रह के, हमारे साथ मतलब पार्टी के साथ रह करके पार्टी की खिलाफत करेंगे, जो पार्टी में रह करके हमारे नेता की खिलाफत करेंगे, उनको मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, कल नहीं आज पार्टी से रिजाइन दे दो। हमें और हमारे नेता को, हम लोगों को ऐसे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है जो हमारे साथ में रह करके हमारी पार्टी की और हमारे नेता की बुराई करें। उससे बेहतर है अगर तुम्हारे अंदर जरा सा वफादारी है और जरा सा इंसानियत है तो तुम पार्टी से आज रिजाइन दे दो, आज। किस तरह की धमकी इन्होंने दी थी, क्या कहा था इन्होंने? नहीं, हम बता चुके आपके माध्यम से कि उन्होंने सीईओ मैम को कॉल किया और उनसे कहा कि आप जितेंद्र अवार्ड की मीटिंग में क्यों गए थे, अगर आप जितेंद्र अवार्ड की मीटिंग में जाओगे तो फिर आपके साथ वही होगा कि अपोजिशन आएगी और आकर के लोग घेरेंगे और घेर करके आपके कालशेखर का नुकसान पहुँचाएंगे। इस तरीके का वर्ड उन्होंने सीईओ मैडम से कहा और उनको धमकियां दी कि अगर आज के बाद गए, जो सीईओ मैडम ने कहा, मंत्री जी से कहा और मुझसे भी कहा, अगर आज के बाद आप गए तो आप
कालशेखर को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम लोग तो खड़े हैं ना उनके इंतजार में, अगर दम है तो आकर के खाली गेट पे खड़े होकर दिखा दे, कानून कायदा बाद में हम देखेंगे, पहले आकर के गेट के पास खड़े होकर तो दिखा दे। 144 लोग एडमिटेड है उसके अंदर, हम गेट को बंद करने देंगे? कैसी बातें करते हो तुम, बुजदिली की बातें करते हो? ये बुजदिलों का काम है, ये मर्द का काम नहीं है, ये नामर्दों का काम है। आओ आकर, अगर दम है तो मैं चैलेंज देता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते तुमको चैलेंज देता हूँ, आकर के तुम कालशेखर के गेट के एक ईंट को हाथ लगा के दिखा दो तो मानो कि तुम मर्द हो। जिस हॉस्पिटल की CEO है आफरीन सौदागर मैडम, अगर उनको इस तरीके से बातचीत किया जाएगा या उनको इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, धमकी दी जाएगी, तो उनका मनोबल टूट जाएगा। हो सकता है कि वो कल से ना आए, तो इसकी जवाबदारी किसकी? कल ये इतने सारे जो आज हमारे पास पेशेंट एडमिट है, इनका ट्रीटमेंट का जवाबदारी किसका? अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कैजुअलिटीज हो जाती है, तो उसकी जवाबदारी किसकी? तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत बड़ा बुजदिली वाला काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि एक औरत के साथ ऐसी लैंग्वेज, ऐसी धमकी, इसको शोभा नहीं देती। ये मैं कहूँगा कि ये पूरी बुजदिली वाला मामला किया है राजीव अंसारी ने। NCP के ही जो नगर सेवक हैं, जिनके कारभार संभालते हैं जो राजू अंसारी, तो वो जो है कालशेखर हॉस्पिटल के CEO को धमकी दी है। कहीं ना कहीं वो लोग आपके ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर धमकी देने की वजह से। देखिए कैसा है कि हम लोग यहाँ पे पार्टी की बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक औरत जात को कोई रात को अगर इस तरीके से धमकाता है तो वो गलत बात है। गाड़ी उनकी है, अगर समझो आपकी गाड़ी है, पेट्रोल आपका है, मेंटेनेंस अगर आप करते हो, और अगर कोई पैसेंजर अगर वक्त पे अगर उसमें आके बैठता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको ले और किसको न ले। कालशेखर हॉस्पिटल का भी ऐसे ही है, तो लोगों ने आज इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने खड़ा किए, इतना स्टाफ है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उनके भी अखराजात है। अगर वो लोग अभी आप थाना में जाओ तो थाना में आप बिल देखो कितना ज़्यादा ज़्यादा होता है। और यही पे अभी कालशेखर में हम लोग जो योजना के तहत भी फ्री में भी काम हो रहे हैं, बहुत से लोगों को जो योजना में उनको उनका फ़ायदा दिया जा रहा है पेशेंट लोगों को, और जो पेशेंट को नहीं एडमिट किया जा रहा है उसके ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है, लेकिन जिन पेशेंट को अच्छा करके कालशेखर ने भेजा है उसके ऊपर लोगों ने कुछ नहीं किया। और आज एक औरत जात को आप अगर रात बेरात फ़ोन करके इस तरीके से धमकी देते हैं तो ये गलत बात है। ये ऐसा पार्टी वगैरह का मामला नहीं है, ये बात तो है ना एक औरत जात के लिए, तो हम लोग उनके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। और रही बात आफरीन मैडम की, तो आफरीन मैडम हमेशा हमारे साथ रही हैं, कोई भी पेशेंट रहे, कुछ भी रहे, अगर सीट अगर उनके पास नहीं रही, बेड नहीं रहे, तो वो लोग पेशेंट को किस तरीके से एडमिट करेंगे? खामखा खाली पेशेंट लेके बिठा देना, अगर उनकी जान चली गई किसी पेशेंट की, तो वो जिम्मेदारी आप किसके ऊपर फिर डालोगे? तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बिना बातों को जाने सिर्फ राजनीति करना ये गलत है, और हम लोग इसका निषेध करते हैं। इस पूरे मामले में राजू अंसारी पर धमकाने का आरोप लग रहा है, इसलिए इस मामले में राजू अंसारी पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में राजू अंसारी से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इस मामले में राजू अंसारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।